हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज ये अपन लेके आए हैं पावर मिल 2010 के अंदर ड्रिल स्ट्रेटेजी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपने सामने एक मॉडल है। तो सबसे पहले अपन ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क प्लान देन, ठीक है, वर्क प्लान एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको सिलेंड्रिकल कर लेते हैं, वैसे कैसा भी कर लो, अपन को तो ड्रिल करना है बस। ठीक है, तो अपन को ड्रिल करने के लिए सबसे पहले इसका फीचर बनाना पड़ेगा। इसका इसका जितने भी ड्रिल है, ठीक है, तो अपन एक नॉर्मल ड्रिल जो है वो सब में कर लेते हैं, जो सब में एक बार में हो जाए। तो मैं एक छोटा ड्रिल कोई भी ठीक है फीचर सेट कर लेते हैं। ये अपने जो है होल्स ही आ गए, और ये देख रहे हो आप, इनका जो पॉइंट है जहाँ से ड्रिल स्टार्ट होगा वो रिवर्स है। तो इसको रिवर्स करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक लेंगे, देन एडिट रिवर्स सिलेक्टेड होल्स। ये अपने अब इस वर्क प्लेन पे एक्टिवेट हो गए। ठीक है, सेकंड वर्क प्लेन को डिलीट कर देते हैं। ये इन होलों के लिए क्रिएट हो गया था, तो उसमें जेड नीचे था, तो इसलिए जो इसका जो पॉइंट था वो नीचे आ रहा था। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से ड्रिल स्ट्रेटेजी लेनी है। ठीक है, ओके, देन टूल सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ये 20 का टूल ले लेंगे। ठीक है, सिंगल पैक टिप टूल में लेते हैं, डोर डाल लेते हैं 0.2। ठीक है, थ्रू होल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ये वो ये क्लोज। ठीक है, रैपिड मूव हाइट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लीड एंड लिंक वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये अपना जो है, ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने जो ड्रिल का साइज है उस साइज से बड़ा ये होल है, क्योंकि इस होल में तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि ये 20 का है तो अपन ने 20 का ड्रिल लिया तो इसमें हो जाएंगे। लेकिन जो अपना ये होल है ये 30 का है। ठीक है, अपन 30 में 20 चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल ड्रिल चलाते हैं, उसके बाद इसमें 30 का चला देंगे। ठीक है, तो इसकी अपन फीड रेट देख लेते हैं, 1200, 300, 100। ठीक है, और एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने ड्रिल हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अपन इसमें प्रोग्राम जो अपन लेंगे, अगर आपको मैनुअल टाइप में प्रोग्राम निकालना है तो यहाँ से जो अपना ड्रिलिंग साइकिल आउटपुट है इसको बंद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बंद रखोगे तभी आपको वहाँ पे जो जैसे फानुक में या फिर सीमेंस में किसी में भी ले रहे हो तो आपको वहाँ ऐसा प्रोग्राम आएगा जैसे मैनुअल टाइप में प्रोग्राम अपन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आज का ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।